Hello everyone, you are welcome back to our YouTube channel. And in this video, I am going to tell you about a job. जो ये job है ये US Embassy में होने वाली है, ठीक है. This job is based at the US Embassy. और US Embassy की कौन सी branch? New Delhi वाली है, ठीक है. So main head office of the US Embassy is located at the New Delhi, चाणक्यपुरी. तो वहाँ पर ये पोजीशन निकली हुई है. इस पोजीशन का जो नेम है वो है रिसोर्स कोऑर्डिनेशन ऑफिसर, ठीक है. सो रिसोर्स कोऑर्डिनेटर की ये जो जॉब है ये प्रोफाइल रहने वाली है. तो इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा, ठीक है. ब्रीफली आपको बता दूंगा मैं क्या सैलरी पैकेज होने वाला है, क्या वॉच आवर्स होंगे आपके जो आपको सर्व करने होंगे इन अ डे और वीकली, और उसके बाद में आपकी सैलरी कितनी होगी यहाँ पर, और जो अदर क्वालिफिकेशंस हैं वो भी मैं इस वीडियो में आपको एक एक करके बताऊंगा, ठीक. तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक का बटन भी हिट जरूर कर दें. तो चलिए शुरू करते हैं. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पोजीशन का नेम है वो रिसोर्स कोऑर्डिनेटर ऑफिसर है, ठीक है, रिसोर्स कोऑर्डिनेशन ऑफिसर. तो इसमें जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी, इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क देखना होता है. जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई डिपार्टमेंट दे दिया गया है और उस डिपार्टमेंट में जितने भी जैसे बजट होता है, ठीक है, हम जानते हैं कि कोई भी डिपार्टमेंट होता है एक ना एक पर्टिकुलर बजट के ऊपर काम करता है. अब उस जो बजट हमें अलॉट होता है उसी के विद इन ही, मतलब जो अमाउंट दिया, मान लीजिए आपको अगर 50,000 का अमाउंट दिया तो आपको जो पूरा मंथली मैनेजमेंट करना होता है वो 50,000 के विद इन करना है, कि जो भी आपके एडमिनिस्ट्रेशन के मतलब इक्विपमेंट्स लगने हैं, कोई भी सामान लगनी है, तो वो उस चीज़ के बजट के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए. तो यही यहाँ पर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि जो भी बजट अलॉट होता है आपके डिपार्टमेंट को होगा, तो जो भी सामान जो लगते हैं मतलब वर्क करने के लिए डिपार्टमेंट के, तो उसको आपको वो बजट के साथ कोऑर्डिनेट करने होंगे. तो इस तरीके से आपका जो एडमिन का वर्क है वो चीज़ें होने वाली हैं. आप वाउचर भी देखेंगे, ठीक है, और आप स्टेटमेंट भी देखेंगे बजट की, और उसके बीच में सब चीज़ें कोऑर्डिनेट करेंगे. तो इसीलिए इसका नाम भी रखा है रिसोर्स कोऑर्डिनेशन ऑफिसर. और इसमें अब मैं बता देता हूँ, ये तो मैंने आपको ब्रीफली जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बता दिया है. और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि इसमें एक्सपीरियंस कितना मांगा गया, तो मैं आपको बताऊंगा कि 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया. नोटिफिकेशन में इन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड. अब 3 साल का एक्सपीरियंस किस लाइन में, ठीक है, ये भी मैटर करता है कि उन्होंने किस लाइन में मांगा है, यूएस एम्बेसी किस लाइन में 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपसे मांग रही है. तो सबसे पहली जो इन्होंने मेंशन किया वो एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में होना चाहिए, ठीक है. जैसे कि आप अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क थे, 3 ईयर का आपका एक्सपीरियंस है, ऑफिस मैनेजमेंट में आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, या फिर अकाउंटिंग फील्ड में आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, या फिर फाइनेंस फील्ड में आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोजिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. और इसके बाद में जो मतलब अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ कि तो इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट है. ग्रेजुएशन आपके बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में होनी चाहिए, या फिर बैचलर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होनी चाहिए, या फिर अकाउंटिंग फाइनेंस, या फिर MBA आपने की होनी चाहिए. तो मोस्टली आप देखेंगे कि कॉमर्स से रिलेटेड है. और अगर हम ह्यूमैनिटी की बात करें तो आपकी ग्रेजुएशन अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आपने की है तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. नाउ वी कम ऑन द सैलरी पार्ट. जो सैलरी पार्ट है वो मैं आपको एनुअल पैकेज बता रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने एनुअली ही डिफाइन किया है. तो 7,35,000 का एनुअल पैकेज होने वाला है. एनुअल पैकेज यानी पूरे 12 मंथ के जो पैकेज रहेगा वो 7,35,000 आपको मिलेंगे. और उसके अलावा जो भी मेडिकल फैसिलिटीज होती है, प्रोविडेंट फंड होता है, वो उसके अलावा आपको दी जाएगी. तो ये सारी फैसिलिटीज रहेंगी. और अगर हम वीक ऑफ की बात करें तो सैटरडे और संडे जो है वो आपका फिक्स वीक ऑफ रहेगा. और पूरे वीक में मतलब विद इन अ वीक यानी 7 डेज में आपको 40 आवर्स कंप्लीट करने रहेंगे, यानी पर डे आपको 8 आवर्स देने होंगे, ठीक है. 8 5 40, तो 8 आवर्स जो है वो 5 डेज में आपको हर दिन एवरी डे आपको कंप्लीट करने होंगे. तो इस तरीके से आपके 40 आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे. तो ये जो है ये सारी ब्रीफली डिटेल है जो कि मैंने आपको यहाँ पर US Embassy में बता दी है. तो इसमें होता क्या है,
इसको आप मतलब ऑनलाइन ही होता है, ऑनलाइन आप अप्लाई करते हैं और उसके बाद में जैसे कि और एक चीज हो रहा है कि अगर जो ये जब आप फॉर्म फिल करेंगे ये पासपोर्ट के बारे में पूछते हैं, तो आप अगर आप मतलब इंडियन सिटीजन ही है तो आपको पासपोर्ट मीन अपलोड करने की ये कंपलसरी नहीं है आपके लिए। अगर आपके पास है तो दैट इज़ वेल एंड गुड, यू कैन अपलोड योर पासपोर्ट, बट इफ़ यू आर अ इंडियन सिटीजन एंड यू वॉन्ट टू वर्क हियर सो यू डोंट नीड टू नेसेसरी अपलोड योर पासपोर्ट। ओके सो दिस इज़ द मेन क्वेश्चन फ्रॉम मेन अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स हु वर मेन अप्लाइंग फॉर द पोजिशन। सो दैट्स वाई आई वॉन्टेड टू क्लेरिफाई इट हियर। एंड इफ यू स्टिल हैव एनी ऑफ द डाउट यू कैन पुट द कमेंट इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन सेंड मी द मैसेज ऑन माई इंस्टाग्राम ID। एंड समटाइम इट ऑल्सो हैपन दैट आई एम नॉट एबल टू रिप्लाई टू ऑल द क्वेश्चन दैट आर सेंड ऑन माई इंस्टाग्राम ID बिकॉज आई ऑल्सो डू द वर्क मीन इन अ कंपनी। सो दैट्स वाई मीन बिकॉज ऑफ द पॉसिटी ऑफ द टाइम। सो बट मीन इफ आई सी योर मैसेज सो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मीन आंसर योर क्वेरी। सो यू कैन पुट द मैसेज इन द कमेंट बॉक्स और ऑन द इंस्टाग्राम ID। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड एंड आई होप यू गुड लक। एंड इफ दिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज बींग मेट बाई यू सो आई वुड रिक्वेस्ट यू डेफिनेटली अप्लाइंग फॉर दिस पोजिशन। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।